नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। रतलाम रेल मंडल में आधी रात को रेल दुर्घटना। दाहोद के पास मंगल मोड़ी और लिमखेड़ा के बीच हुई दुर्घटना। मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतरे। रतलाम मुंबई रेल यातायात बाधित, कई ट्रेनों को मार्ग बदल कर चलाया गया। रतलाम से चित्तौड़गढ़, अजमेर, अहमदाबाद होकर मुंबई जाएंगी ट्रेन। वापसी में भी यही रूट रहेगा ट्रेनों का। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुंबई के बीच दाहोद के पास मंगल मोड़ी और लिमखेड़ा रेलवे स्टेशन के बीच अपलाइनर पर मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये मालगाड़ी रतलाम से बड़ौदा की ओर जा रही थी। इस दुर्घटना में ओवरहेड इलेक्ट्रिक के तार भी टूट गए हैं। रतलाम से लेकर मुंबई का दोनों दिशा में रेल यातायात ठप हो गया है, जो आज सोमवार की शाम तक ठप रह सकता है। रेल दुर्घटना रेलवे की तकनीकी भाषा अनुसार 517-523 किलोमीटर की क्षेत्र पर दुर्घटना हुई। रतलाम रेल मंडल के रतलाम दाहोद के बीच मंगल मोड़ी और लिमखेड़ा के बीच रतलाम से चली मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। रेल दुर्घटना रात करीब 12:20 पर हुई है। तेज़ गति से चल रही मालगाड़ी के पटरी से उतरे डिब्बे इस कदर उलझे हैं कि बिजली से ट्रेनों को चलाने का काम करने वाले OHE यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक तार भी टूट गए हैं। बिजली के तार दोनों दिशा से टूटे हैं, अर्थात रतलाम से मुंबई जाने वाली रेल लाइन और मुंबई से रतलाम आने वाली रेल लाइन दोनों दिशा में बिजली के तार टूट गए हैं। रेलवे ने रेल दुर्घटना के बाद नई दिल्ली मुंबई राजधानी, अगस्त क्रांति राजधानी, गरीब रथ, सोमनाथ, जबलपुर एक्सप्रेस, मुंबई से इंदौर आने वाली अवंतिका एक्सप्रेस, मुंबई जयपुर एक्सप्रेस, पूना इंदौर एक्सप्रेस, जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस को रास्ते में रोक दिया है। इन ट्रेनों को रतलाम से चित्तौड़गढ़, अजमेर, अहमदाबाद होकर मुंबई चलाया जाएगा और मुंबई से आने वाली ट्रेन भी इसी परिवर्तित मार्ग से आएंगी। इसके अलावा दाहोद हबीबगंज और दाहोद रतलाम उज्जैन मेमू को निरस्त किया गया है। जीवेन 24 न्यूज़ के लिए रतलाम जिला से आमीन हुसैन की रिपोर्ट।